हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं 1500 वाट का एम्पलीफायर। देखिए इसमें कितना बड़ा घपला किया गया है। मैं बता दूं, ये डीजे सीरीज का एस मॉडल है। आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एम्पलीफायर का बैनर लगा है लोगो। ये स्ट्रेंजर पीबीटी 1500, इसका मतलब है कि 1500 वाट। ये आउटपुट लेवल का एलईडी ब्लिंकर, यहाँ चेक टेम्परेचर ट्रिप पावर लाइन इन और ये ऑफ ऑन का स्विच दिया हुआ है। ये वॉल्यूम या मास्टर का बटन आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये हॉर्न और स्पीकर का सिलेक्टर स्विच, ये ट्रेबल और ये मिड और ये बेस। दोस्तों, इस एम्पलीफायर के बारे में आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कितना बड़ा इसमें कंजूसी की है कंपनी अपने ब्रांड के साथ। आप देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। इस एम्पलीफायर का विश्वास कस्टमर पर हमेशा से बना रहा है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेंजर का लोकल प्रोडक्ट मार्केट में छा चुका है। ये फ्यूज है जो फैन के लिए काम करता है, एसी फैन जो लगा है उसके लिए ये फ्यूज है। ये रीसेट ट्रिप ऑन बटन है, ये ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है। ये अर्थ के लिए दिया है और ये केबल है 220 वोल्ट एसी। तो यही फैन है जिसके लिए फ्यूज दिया गया है। चलिए, ये अच्छी क्वालिटी की फ़ैन है, इसमें कोई कमी नहीं। यहाँ देखिए लाइन आउट है जो हम दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं यहीं से सिग्नल लेकर के। ये लाइन इन है, माइक ऑक्स कुछ भी यहाँ इन कीजिए। यहाँ सिलेक्टर स्विच है 200 मिली वोल्ट 1 वोल्ट के लिए ऑडियो सिग्नल इन होता है। ये कॉमन, कॉमन के बाद 1 ओम और ये 2 ओम। 1 ओम बहुत ही कम कंपनियाँ देती हैं, अच्छी बात है। 70 वोल्ट 100 वोल्ट भी उपलब्ध है और अच्छी बात है। दोस्तों, ज्ञान एम्पलीफायर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव रंजन कुमार। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आइए इंटरनल पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूं। क्या प्रॉब्लम है? ये मेन एसी ट्रांसफार्मर है जो 70070 है। देखिए वायर की क्वालिटी थोड़ी पतली है, वायर यहाँ जितना मोटा होना चाहिए उतना नहीं है। हालांकि इसमें 70070 और 70070 6 वायर निकलने चाहिए थे जो कि 4 वायर है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी हल्की क्वालिटी है। 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहीं है रीसेट स्विच जो ओवरलोड होने पर ट्रिप कर जाती है और अपने एम्पलीफायर सेट को ख़राब होने से बचा लेती है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1500 वाट के हिसाब से ये एम्पलीफायर नहीं है, ये मॉड्यूल है 5219/43 पर बना हुआ। दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखिए। ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन 8 पीस 5200 8 पीस 1943 जो कि सभी कंपनियाँ 500 वाट में देती है, ये 16 ट्रांजिस्टर 8, ये रेजिस्टेंस भी 10 वाट के हैं, अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन 8 ट्रांजिस्टर पीएनपी और 8 ट्रांजिस्टर एनपीएन मिला करके 500 वाट के एम्पलीफायर में सभी कंपनियाँ देती है, लेकिन ये कंपनी 1500 वाट की गारंटी लिखती है और लोगो भी लगाई हुई है। तो बताइए कि ये 16 मॉस्फेट पर 1500 वाट कहाँ से देगा? इसको कम से कम 1500 वाट बनाता है जो अहूजा, उसमें लगभग 13 मॉस्फेट दिए होते हैं, 26 मॉस्फेट उसमें लगे होते हैं, लेकिन इसमें 16 ही लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी घपला किया गया है यहाँ। या तो ये लोकल प्रोडक्ट है या स्ट्रेंजर इसमें कमी कर रही है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में। ये ड्राइवर बोर्ड है, हालांकि ड्राइवर बोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई शिकायत नहीं। इस ड्राइवर बोर्ड के सभी कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस कंडेंसर केल्ट्रॉन के अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है मॉड्यूल जो 1943 और 5200 लगे हैं, इसकी संख्या और ज़्यादा होने चाहिए था। कम से कम 25-26 मॉस्फेट होने चाहिए थे 1500 वाट के लिए। ये 16 मॉस्फेट पर 1500 वाट अच्छा नहीं है और कभी भी ये 1500 वाट नहीं लेगा। देखिए, ये एलईडी ब्लिंकर का बोर्ड है, ये भी ठीक ठाक है, इस पर कोई लोड नहीं होता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना भी लो क्वालिटी को हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एलईडी के सिग्नल पर कोई उतना विशेष ध्यान दिया नहीं जाता जितना कि इसके मॉड्यूल ओरिजिनल पावर ट्रांजिस्टर के चैनल पर। मेन एम्पलीफायर की पॉइंट्स ये होती है, पहला तो एसी जो मेन ट्रांसफार्मर है वो हैवी होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी के कॉपर से वायरिंग होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी
जो कैपेसिटर है ये चार पीस लगा है, जो छोटा छोटा है यहाँ 100 वोल्ट 4700 माइक्रो फेराड, बताइए इतना छोटा छोटा। यहाँ 100 वोल्ट कम से कम 10000 माइक्रो फेराड का एक पीस होना चाहिए था। 3510 ब्रिज रेक्टिफायर तो ठीक है, लेकिन कंडेंसर बहुत बड़े बड़े साइज के चार पीस होने चाहिए थे। ये जो मॉड्यूल आपको दिख रहा है 16 ट्रांजिस्टर वाला, यहाँ कम से कम 26 ट्रांजिस्टर या 24 ट्रांजिस्टर का होना चाहिए था, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी कमी की है। और जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है वो 1.5 इंच बोबिन साइज में है, जो कि 2.5 इंच बोबिन साइज में होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग मार्केट में जाएं एम्पलीफायर खरीदने, तो उसे खोल कर ज़रूर देखें, उससे चेक करें कि इंटरनल पार्ट्स कितना है, कितना हैवी है, कितना अच्छा है, उससे देखने के बाद ही खरीदें। आप दुकानदार से जब भी खरीदें उसकी गारंटी ज़रूर लें। ये जो स्विच आपको दिख रहा है 16 एम्पियर का ऑटोकॉट स्विच है, यहाँ 32 एम्पियर का होना चाहिए था, इसमें भी कटौती की गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1500 वाट लिखते क्यों हैं, हालांकि ये 800 वाट लास्टली लोड 800 वाट तक लेगा। अगर आप अच्छा पंच चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के आवाज़ चाहते हैं, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 800 वाट ही लोड दे करके बजाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोड देंगे तो ट्रांजिस्टर हीट होंगे और वो जल जाएंगे, 100% गारंटी है। मैंने इसे चलाया, इसे बजाया और पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये एक बार मॉस्फेट मार दिया है, अब ये बार बार जल रहा है, दो दो मॉस्फेट दोनों साइड के ये जल जा रहा है। पता नहीं ये कंपनी इतना लिखती क्यों है, कम वाट ही लिखे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों मेरा कहना यही था कि आप लोग जब भी एम्पलीफायर खरीदें उसे देख लें, उसके मॉस्फेट गिनें कितने मॉस्फेट हैं, क्योंकि एम्पलीफायर की जान होती है मॉस्फेट। जितना अधिक मॉस्फेट होगा, ट्रांजिस्टर होगा ये 52/1943, उतना ही अच्छा लोड लेने की इसकी क्षमता होगी। आप इस मॉड्यूल को देख सकते हैं, ये 500 वाट की मॉड्यूल है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।